गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम एबीएस नॉट वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि कार के अंदर एबीएस नहीं काम करता तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एबीएस के अंदर सबसे मेन जो होता है इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा ऑपरेटेड होता है। इलेक्ट्रिकल में हमारा एबीएस में एक हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एबीएस कंट्रोलर जो है, एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है एबीएस कंट्रोलर है, कंट्रोलर। दूसरा है इसमें सेंसर्स, एबीएस के सेंसर्स होते हैं। सेंसर तो दोस्तों कंट्रोलर और सेंसर दोनों का कम्युनिकेशन से नहीं होता, इस कंडीशन में एबीएस काम नहीं करता। और उस कंडीशन में जो हमारा क्लस्टर मीटर होता है उस पर एक एबीएस करके इंडिकेशन, एक लाइट आती है, वो लाइट आ जाती है। और वो लाइट आने से हमें इंडिकेट होता है कि हमारा एबीएस काम नहीं कर रहा और हमारे एबीएस सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया है। अब इसे हमें चेक करने के लिए क्या क्या करना होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कार के अंदर एबीएस की फ्यूज़ लगे होते हैं। एबीएस का सबसे पहले अगर हमें एबीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले हमें इसे डायग्नोस करने के लिए हर कंपनी का एक डायग्नोसिस टूल्स होता है, लैपटॉप हो या एचडीटी हो या कंसल 3 हो या लैपटॉप हो, यानी कि हर कंपनी अपना एक टूल बनाती है, उससे हम इसे चेक करते हैं कि इसमें ये जो लाइट आ रही है ये लाइट कहाँ से फॉल्ट आया है। उस फॉल्ट को चेक करने के लिए पहले हम डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद में हम एक एक पॉइंटों पर काम करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं कि हमने सबसे पहले लैपटॉप लगा दिया और हमें पता लग गया कि हमारी गाड़ी के अंदर एक लाइट आ रही है और हमारे पास एक फॉल्ट भी आ रहा है डायग्नोस करने पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम उसकी वायरिंग को चेक करेंगे। वायरिंग के अंदर सबसे पहले उसके फ्यूज़ चेक करेंगे। जो दो जगह फ्यूज़ लगे रहते हैं, कंपनी होती है जो एक इंजन कंपार्टमेंट में फ्यूज बॉक्स देती है और एक अंदर पैसेंजर कंपार्टमेंट में देती है। तो उसमें जो फ्यूज है उस पे आपको एबीएस करके फर्स्ट एंड सेकंड फ्यूज लिखा मिलेगा। उस फ्यूज की आप कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए, फ्यूज ब्लो तो नहीं हो गया, यानी कि वो खराब तो नहीं गया। अगर वो खराब हो जाएगा तो एबीएस आपका काम नहीं करेगा। फ्यूज चेक कर लिया आपने, फ्यूज चेक करने के बाद में आपको ये जो एबीएस का कंट्रोलर है इसका कपलर चेक कर लेना है कि ये कपलर लूज तो नहीं हो गया। अगर ये कपलर लूज हो जाएगा तो भी हमारा एबीएस काम नहीं करेगा, क्योंकि सेंसर से अगर इनपुट आती है तो ये आउटपुट नहीं भेजता है, क्योंकि जो वाल्स है, जो मोटर्स है, उसे ऑन नहीं करता। और एबीएस कंट्रोलर का काम है, जब ये हमारा कंट्रोलर है एक साइड से ये इनपुट लेता है सेंसरों से इनपुट लेता है और दूसरी साइड से आउटपुट करता है, आउटपुट चलाता है। तो वो क्या करता है, ये जैसे जो हमारे कंट्रोलर पर जो एबीएस के मॉड्यूल मॉडल के पास एक मोटर लगी हुई है जहां पे ये कंट्रोलर है, वहां पे ये ऑयल का प्रेशर को मोटर के द्वारा प्रेशराइज करता है कंट्रोलर। ठीक है, तो इधर से हमारा निकलता है। तो हमें कंट्रोलर के पास जाके चेक कर लेना है। कंट्रोलर पे जो मोटर है उसमें पाइप सारे लगे हुए हैं, पाइपों भी हमें जो आ रही है हमारे ब्रेक मास्टर सिलेंडर से उन पाइपों को भी प्रॉपर तरीके से हमें चेक कर लेना है, कहीं से लीकेज तो नहीं है। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो एबीएस के सेंसर्स लगे हैं, हमारा जो ये व्हील्स है
व्हील्स के ऊपर एक हमारा सेंसर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है, एक गेयर्स लगा हुआ है उस पे व्हील के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये व्हील से हमारा ये सेंस करता है सेंसर, और ये चारों व्हीलों पे लगे हुए रहते हैं सेंसर। ये सेंसर चारों व्हीलों पे फिट हुए होते हैं वायर की सहायता से, और यहाँ तक हमारे पास वायरिंग कनेक्टर्स बिछे हुए होते हैं, वायरिंग का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पूरी वायरिंग इसमें सेंसरों तक जाती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो एक तो इसका कंट्रोलर हो गया, चार इसके सेंसर हो गए, इस पे ही एबीएस काम करता है। अब ये क्या होता है, जब हमारा पहिया चल रहा होता है तो इस जो एबीएस का सेंसर है वहां पे एक छोटा सा हम इसमें एबीएस की एक प्लेट लगाते हैं, अलग अलग तरीके की होता है, जैसे पीछे पे एक गियर लगाते हैं, उस पे एक टीथ बढ़ा देते हैं, और सब छोटे छोटे टीथ होते हैं, और सारी जगह ये वाला एरिया बड़ा होता है, तो इसको ही ये सेंसर सेंस करता है, सेंस करके कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन देता है, और इससे ही पता लगता है कि व्हीकल की स्पीड क्या चल रही है, कितनी देरी में ये इसके पास आता है। यहाँ पे जैसे ही आएगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी घटेगी, उसको यहाँ पे कंट्रोलर तक इंफॉर्मेशन देता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब हमारा एबीएस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने जब कंप्यूटर लगाया तो उसमें कोई डीटीसी जरूर डिस्प्ले करेगा। जब ये डीटीसी डिस्प्ले करता है तो हमें उस डीटीसी के अनुसार हम उसकी वायरिंग प्लस सेंसर और कंट्रोलर तक की उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मान लीजिए फ्रंट सेंसर का रियर फ्रंट व्हील, यानी कि फ्रंट व्हील का लेफ्ट साइड का सेंसर का फॉल्ट आ रहा है। अगर आपका फ्रंट लेफ्ट का या रियर लेफ्ट का या रियर राइट का अगर सेंसर का फॉल्ट आता है, तो आपको क्या करना है, सारी वायरिंग को नहीं चेक करना है, सिर्फ आपको ये कंट्रोलर से लेकर रियर व्हील तक के जो वायर आ रहा है उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, और उस वहां तक जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज चेक करनी है। अगर यहां से यहां तक हमारी कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है और हमारे पास वोल्टेज भी 12 वोल्ट आता है, वो अगर प्रॉपर आ रहा है, तो आप इसका जो सेंसर है उसे दूसरा रिप्लेस करके देखिए। जब आप इसका रिप्लेस कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप क्या कीजिए, क्योंकि जो लैपटॉप होता है या कोई भी चीज़ है, तो उस पर क्या होता है, जब हम इसका डाटा डिस्प्ले चेक करते हैं तो इसके डाटा डिस्प्ले व्हील की स्पीड बताते हैं, तो एक एक पहिए की स्पीड बताएगा, जोन से व्हील की स्पीड नहीं बता रहा, तो वहां तक आपको पूरा वायरिंग चेक करना है। अगर वायरिंग ठीक है तो आपको इसका सेंसर चेक करना है, सेंसर अगर ठीक है तो आपका कंट्रोलर में प्रॉब्लम है। कंट्रोलर में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका कंट्रोलर का कपलर हटा लीजिए, और उसकी क्लिप तो लूज नहीं होगी। अगर उसकी क्लिप लूज हो गई है तो उसे आप रेक्टिफाई करके रिपेयर करके उसे लगा दीजिए। अगर सेंसर आपका ख़राब है तो इसे नया लगा के रिप्लेस करके चेक कर लीजिए। यही इसका एबीएस का मेन प्रोसेस होता है। एबीएस में पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होता है। सिर्फ इसमें एक कंट्रोलर लगा होता है, चार सेंसर्स लगे होते हैं एबीएस सेंसर, और एक इसमें एबीएस मोटर लगी हुई होती है। अगर हमारे वहाँ पर कंट्रोलर पर कोई फॉल्ट आ रहा है कि सेंसर का कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा और फिर भी एबीएस की लाइट दिखा रही है, तो क्या होगा, आपका वोल्टेज कंट्रोलर तक नहीं आ रहा या उसका ग्राउंड में प्रॉब्लम आ गई होगी। तो आपको इसका पहले फ्यूज से फ्यूज से लेके कंट्रोलर तक आपको उसका पावर सप्लाई चेक करना होगा कि वहां पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसके जो ग्राउंड है उस ग्राउंड की भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। जो बॉडी से टच होता है ग्राउंड, अगर कोई सा भी ग्राउंड उसका लूज हो गया या क्रैक हो गया या बीच में से कटिंग हो गया, जो कपलर है उसमें हमारे क्लिप्स होती है वो लूज होगी, तो हमारा क्या होगा, एबीएस काम नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आप इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस करने का यही एक तरीका है, और नॉर्मल तरीके से आपको इसमें चेक नहीं करना है, नहीं तो होता क्या, ये पूरा कंट्रोलर उड़ सकता है।
सेंसर को आप चेक करेंगे तो आप मल्टीमीटर की सहायता से सेंसर को चेक करें, इसकी कंटिन्यूटी वोल्टेज चेक करना है मल्टीमीटर से चेक कीजिए। अगर आपने वैसी तार से शॉर्ट करके, जब पहले देसी भाषा से शॉर्ट करके चेक करते थे तो क्या होता था, पहले फ्यूज सिस्टम था, अब वो चीज़ नहीं है, अब सब डायोड रेक्टिफायर ट्रांजिस्टर ये चीज़ लगी हुई होती है, आईसी ये चीज़ की बहुत ही कम वोल्टेज पे काम करती है। और अगर आपने 12 वोल्ट का हल्का सा भी कहीं भी शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये कंट्रोलर उठ जाएगा, कंट्रोलर में अलग अलग एक एक सेंसर के अलग अलग एक एक आईसी से लगी होती है, जो साइड से आपने करंट दे दिया वही आईसी उठ जाएगी और सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो उस कंडीशन में ये कंट्रोलर आपका महंगा आता है, इसलिए आपको चेक बहुत ही कॉन्फिडेंस पे करना होता है, देसी भाषा से इसे बिल्कुल ना चेक करें। और इसी तरीके से आप इसको चेक कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।